दोस्तों केजीएफ चैप्टर वन और केजीएफ चैप्टर टू इन दोनों की पॉपुलैरिटी जिस तरह से है ये तो जग जाहिर है, आप भी इससे वाकिफ हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ अनोखी चीज बताऊंगा जिसे जानकर आपको हैरानी भी होगी और आप बहुत खुश भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने कहा जहां पे ये बताया कि केजीएफ इतनी डिमांड में है, केजीएफ की पतंग जो है यानी काइट जो है बहुत डिमांड में है, जैसे एक वक्त बाहुबली की थी, वैसे ही अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, केजीएफ का गेम आप भी खेल सकते। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ का गेम मैंने कल देखा, प्ले स्टोर पे है, एंड्रॉयड वर्जन में है। ब्रिगेटी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने केजीएफ चैप्टर वन का अनऑफिशियल गेम लॉन्च किया है और आप सोचोगे दो साल पहले नहीं, ये अभी लॉन्च किया है, 27 दिसंबर 2020 को ये गेम लॉन्च हुआ है जो हाल फिलहाल में अपडेटेड हुआ है और 106 MB का ये गेम आप इंटरनेट पर देख सकते हो, एंड्रॉयड पर डाउनलोड कर सकते हो। इसे मैंने जब देखा, इसका ट्रेलर देखा गेम का, तो मुझे बहुत वो अच्छा लगा क्योंकि बहुत कम साइज से बहुत अच्छा गेम बनाया है। क्यों मैं तब बताता हूं आपको, केजीएफ चैप्टर वन का सीन याद होगा जब लॉकी के हाथ दोनों बंधे होते हैं, वो लटका रहता है और जब वो कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, वो जो सीन था उसके बाद जितना गुंडों को पिटाई करता है ना उस कमरे में या उस है ना जो रहता है जगह, और उसके बाद बाहर निकल के वो पूरा गेम में पूरा इंक्लूड किया गया है और विद बीजीएम एंड ऑल, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। केजीएफ थीम पर बेस्ड ये केजीएफ का अनऑफिशियल गेम। अब मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं मेकर से कि भैया अनऑफिशियल तो आ गया, आप अपनी फिल्म को और भी बड़े तरह से प्रमोट करने के लिए इसका केजीएफ चैप्टर टू का गेम जरूर रिलीज कर दीजिए, वो भी ऑफिशियल वर्जन। अगर आप ऐसा करेंगे तो पब्लिक जो है वो बहुत खुश होगी और उनको ये गेम बहुत पसंद आएगा। एनीवेज आप भी देख सकते हैं इसका टीजर, इस गेम का, और आप समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक गेम बनाया है। केजीएफ की पॉपुलैरिटी इससे साफ पता चलती है कितनी बड़ी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर करके बताइए।